अभी मैं पहुंच गया हूं यहां के उज़्बेकिस्तान ताशकंद के रेलवे स्टेशन पे। यहां पे रेलवे स्टेशन तो अच्छा बना रखा है इन लोगों ने, देखो बैठने वैठने की जजाक सिटी है भाई। थोड़ी देर में आधे घंटे में सनसेट खत्म और फिर आज का अपना दिन भी खत्म। योर नेम एल्डो इंडिया। लेट्स गो इंडिया, लेट्स गो। गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द इंडो ट्रैकर। और अभी मैं हूँ उज़्बेकिस्तान के कैपिटल ताशकंद में। ताशकंद में आज मेरा दूसरा दिन है। अभी यहाँ पे टाइम हो गया है 12:30 और मैं जा रहा हूँ यहाँ के साउथ ताशकंद का जो साउथ ट्रेन स्टेशन है वहाँ पे। एक्चुअली मैं समरकंद जा रहा हूँ, तो अभी चलते हैं यहाँ से ताशकंद से लेके समरकंद तक का जो सफर है वो दिखाता हूँ आप लोगों को। इस भाई के साथ जा रहा हूँ मैं यहाँ पे टैक्सी। भाई को इंग्लिश तो आती नहीं है, रशियन आती है। तो अभी मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगा साउथ जो ट्रेन स्टेशन है वहाँ से, और फिर वहाँ से समरकंद। तो आप लोगों को ये ट्रेन जर्नी दिखाता हूँ, उज़्बेकिस्तान की ट्रेन जर्नी कैसी होती है। भाई साहब ना हिंदी गाने सुन रहे हैं भाई साहब। वो कौन सा गाना है यार? नाइस। अभी मैं पहुंच गया हूं यहां के उज़्बेकिस्तान ताशकंद के रेलवे स्टेशन पे, जो साउथ रेलवे स्टेशन है यहां का। और मुझे चलना किधर से है, ये देखो यहां का रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा है। अभी मेरे पास पूरा का पूरा 1 घंटा है। अभी तो रेलवे स्टेशन दिखा देता हूं आप लोगों को थोड़ा सा। ये यहां पे वहां पे कोई पुल बना हुआ है, ये इधर है जो हाईवे जा रहा है सामने से यहां का। यहां पे रेलवे स्टेशन तो अच्छा बना रखा है इन लोगों ने, देखो बैठने बैठने की सारे अरेंजमेंट अच्छे कर रखे हैं इन्होंने। लेकिन ये केवल सर्दी के लिए है ये अरेंजमेंट्स, अंदर है जो अच्छा खासा चल के अंदर भी बना रखा है इन लोगों ने यार। और वो देखो ताशकंद, ये है यहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम। अच्छा है यार रेलवे स्टेशन, तो मुझे रेलवे स्टेशन पसंद आया। ये ऐसे रेलवे स्टेशन होने चाहिए, बिल्कुल हरा भरा कर रखा है, सारे अरेंजमेंट वगैरह साफ सफाई वगैरह एकदम क्लीन है यहाँ पे। तो हम भी अभी तो थोड़ा सा कहीं चल के बैठे हैं, देखते हैं अंदर चलते हैं या कहीं और। अंदर ही चलते हैं यार, बाहर तो क्या करेंगे। थोड़ा सा आप लोगों को बाहर दिखा देता हूँ थोड़ा सा, और फिर चलते हैं। ये देखो एक बार सारा दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखो ये है एंट्रेंस। तो बाहर बैठा रहने से कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, अपन लोग चलते हैं अंदर ही। यहाँ का ये एंट्रेंस गेट ये है, यहाँ से एंट्री हो रही है लोगों की। यहाँ पे बैठते हैं थोड़ी सी देर यार, यहाँ की ट्रेन देख लो आप लोग। तो शायद यही तो नहीं जाएगी यार समरकंद, पूछना पड़ेगा मुझे यार। अभी तो 1 घंटा है मेरी ट्रेन में, लेकिन हो सकता है मे भी शायद ये वाली जाए समरकंद। काफी बड़ी है ये ट्रेन तो। अपने को चलना है थोड़ा सा आगे। डिब्बा तो एक बार टिकट में तो मेरे को समझ में आ नहीं रहा, बाकी यहाँ पे किसी से पूछना ही पड़ेगा ये भाई कौन सा सीट है मेरा। ताशकंद समरकंद यही जाने वाला है। काफ़ी देर, अभी तो 1 घंटा है यहाँ से इसको डिपार्ट होने में, लेकिन काफ़ी पहले से इन लोगों ने खड़ी कर रखी है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। इसमें लिखा है अपने वाले टिकट में 10 नंबर लिखा है, तो 10 नंबर यही है, वो सामने 10 नंबर दिख रहा होगा। इसका टिकट है जो मैंने बुक किया था उज़्बेक रेलवे नाम से, यहाँ पे एप्लीकेशन है। और 98,900 यहाँ का टिकट था। टिकट का प्राइस जो कि होता है 715 इंडियन रुपीज़ के लगभग होता है। तो 715 कोई ज़्यादा नहीं है, मतलब 350 किलोमीटर के लगभग है यहाँ से समरकंद। अंदर से भी एक बार आप लोगों को ये रेलवे स्टेशन दिखाई देता हूँ, ये देख लो ताशकंद। जानू बी नाम से यहाँ का, जानू JANUBII। अपनी वाली सीट वो है भाई 53H, आई डोंट नो विच वन, कौन सी है पता ही नहीं यार। सीट नंबर अपने वाली सीट है ये 53 नंबर। थैंक यू। तो आज अपना आज उज़्बेकिस्तान ट्रेन में पहला एक्सपीरियंस होने जा रहा है, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है उज़्बेकिस्तान। अफ्रीका में भी मैंने एक ट्रेन जर्नी की थी बस, बाकी ये फॉरेन में मेरी एक श्रीलंका में की थी, और एक ये तीसरी विदेश में मेरी ट्रेन जर्नी है। इसके अलावा मैंने कोई ट्रेन जर्नी नहीं की है ज़्यादा, बसों में ही धक्के खाते आया हूँ अब तक। और ये देखो पीछे कुछ ऐसा है, यहाँ के कंपार्टमेंट्स कुछ ऐसे हैं ट्रेन के, सीट्स वगैरह कुछ है, स्लीपर भी है इसमें और सिटिंग भी है।
ये स्लीपर मिल जाएगी। मैंने बुक की है सीटिंग वाली, क्योंकि यार स्लीपर है ना जो ऑलरेडी सारी बुक थी और महंगी भी, लगभग तीन गुना या ढाई गुना या तीन गुना ज्यादा प्राइस था। तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं बैठ के ही चला जाऊंगा, आराम से देखता देखता जाऊंगा। वो स्लीपर सीट है और ये है सिटिंग सीट। अभी चलते हैं, देखिए थोड़ा सा पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं शाम को 6:30 बजे वहाँ पे पहुँच जाऊँगा आराम से। ये देखो यार मेरा वाला जो ग्लास है ना वो बहुत गंदा है, और उधर वाला ग्लास है ना काफी क्लीन है। आप लोग उधर वाला ग्लास में आपको सब कुछ दिख रहा होगा। हाय ब्रो, ये भाई लोग यहीं के हैं, ये अभी मेरा चैनल चेक कर रहे थे। हाय, योर नेम? मिराज। मिराज, ओके, नाइस नाइस टू मीट यू। योर नेम? अजमत। अजमत, ओके, नाइस टू मीट यू। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं, ये कोई वोकजाल सिटी है, वोकजाल सिटी यहाँ पे। यहाँ का रेलवे स्टेशन आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार यार। ये देखो, ये है यहाँ पे वोकजाल सिटी का रेलवे स्टेशन। काफ़ी अच्छा है भाई, ये सिटी भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ब्यूटीफुल सिटी, ब्यूटीफुल। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सिटी? जिज्जाक। जिज्जाक, ओके, जिज्जाक सिटी है भाई ये, वोकजाल नहीं। वो सामने दिख रहा होगा यार, जिज्जाक। काफ़ी अच्छा है यार रेलवे स्टेशन वगैरह, मुझे काफ़ी रास्ते में, एक्चुअली जो मेरी विंडो है ना वहाँ पे ना पूरा धुंधला धुंधला हो रखा है, तो मैं बाहर का कुछ दिखा नहीं पा रहा हूँ। बाकी रास्ता बहुत खूबसूरत है, ये सफ़र है जो बहुत सुहाना, बहुत खूबसूरत सफ़र है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूमने में। जज्जाक सिटी का नाम है जज्जाक। और ये देखो यहाँ पे काफ़ी सारी, एक अच्छी बात लगी यहाँ पे, जो लोग होते हैं ना पुलिस वाले, कोई टोका टाकी नहीं करते हैं। आप लोग वीडियो बनाओ, कुछ भी करो, कुछ भी टोका टाकी नहीं करते हैं। ये मुझे इन लोगों का अच्छा लगा यार। अब थोड़ा सा ना इस ग्लास को मैंने साफ किया है, साफ करने के बाद थोड़ा थोड़ा आपको दिखा रहा हूँ, फिर भी थोड़ा सा धुंधला दिखेगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप लोग यार। थोड़ा सा मैंने साफ किया है ग्लास को, बाहर से नहीं अंदर से थोड़ा बहुत साफ किया है, बाहर वाला जैसा है वैसा ही है। तो गाइज अभी मैं पहुंच गया हूं जो समरकंद का रेलवे स्टेशन, वहां पे फिक्स जो ट्रेन का टाइम था वो 6:04 था, और फिक्स 6:04 पे यहां पे ट्रेन पहुंच गया हमारा। पीछे कुछ ऐसा है समरकंद वाला रेलवे स्टेशन, ये पूरी की पूरी उज्बेक स्टाइल में इन्होंने रेलवे स्टेशन बना रखा है। ये देखो अच्छा रेलवे स्टेशन है। तो अब थोड़ा सा चलते हैं हम लोग, और अभी मैंने यहाँ हॉस्टल वगैरह कुछ बुक नहीं किया है, अभी मैं करूँगा हॉस्टल वगैरह बुक। और हॉस्टल वगैरह मिल जाते हैं वैसे यहाँ पे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है हॉस्टल वगैरह सर्च करना यहाँ पे। अभी थोड़ा सा चलता हूँ बाहर, किधर से जाना है, थोड़ा सा बाहर निकलता हूँ पहले तो, और फिर बाहर चल के फुर्सत में सर्च करेंगे हॉस्टल वगैरह। ये देखो, ये है यहाँ का एग्जिट, उधर भी है वो, देखो वहाँ पे ब्रिज बना हुआ है। ये यहाँ पे जो भी रेलवे स्टेशन है ना उसके बाहर आप लोगों को ऐसे गार्डन वगैरह मिल जाएंगे आप लोगों को ये ऐसे। और ये थी हमारी जो अभी हम लोग जिस ट्रेन में आए थे वो समरकंद, वो ऊपर लिखा हुआ है लेकिन दिख नहीं रहा। अब यहाँ से पहले तो सिटी सेंटर पता नहीं कितना दूर होगा, सिटी सेंटर पता करना पड़ेगा मुझे। एक्चुअली टैक्सी वाला पूछ रहा है कि टैक्सी है। अभी मुझे खुद को ही नहीं पता कि मैं जाऊंगा कहाँ पे, अभी तो हॉस्टल बुक करनी है मुझे। वेलकम टू समरकंद। अब यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा हम लोग करते हैं यहाँ पे हॉस्टल वगैरह सर्च, और फिर उसके बाद कल एक्सप्लोर करेंगे सिटी को। तो आज तो कुछ नहीं हो पाएगा, 6 बज गया, सनसेट होने वाला, वो सामने देखो ऑलमोस्ट हो गया है, आधे घंटे का और बचा है सनसेट। थोड़ी देर में आधे घंटे में सनसेट ख़त्म, और फिर आज का अपना दिन भी ख़त्म। ये देखो सनसेट देखो आप, तो क्या प्यारा सनसेट हो रहा है। और यहाँ पे अभी मैंने हॉस्टल तो बुक कर लिया है यार, आम्बिर हॉस्टल है कोई, यहाँ से 3-4 किलोमीटर सिटी सेंटर से है ना, 1.6 किलोमीटर बता रहा है। तो वो मैंने बुक किया है $9 का, और $2 पता नहीं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा
चार्जेस सर्विस चार्जेस वगैरह जो भी लेते हैं उसका $2 मतलब $11 का हो गया, तो ये तो लगभग ₹900 का पड़ गया। वहाँ ताशकंद से भी महंगा, ताशकंद में मेरे हॉस्टल पड़ा था लगभग 600-650 के लगभग। ये बच्चे बोल रहे हैं, हल्लो कर रहे थे, मैं वीडियो बनाते। माय नेम इज कैलाश, योर नेम एल्डोर, ओह नाइस टू मीट यू, व्हाट्स योर नेम? ब्लॉगर, यूट्यूबर, ब्लॉगर, यस से मी योर यूट्यूब चैनल द इंडो ट्रेकर। ओके लेट मी शो यू, व्हाट यू गो टू? आई एम गोइंग सिटी सेंटर। सिटी सेंटर, बाय बाय, सी यू। तो यहाँ जी मुझे टैक्सी लेनी है, बस लेनी है, ये अमीर होटल ना, अमीर होटल, ओके ओके, ओ ये भी यार अमीर हॉस्टल को ही जा रही है, तो ये मुझे वहाँ पे छोड़ रही है, बोल रही है ये बस जाएगी, ये वाली बस जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसें होती है, ये देख लो आप लोग, दिस वन, ओके 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 ओके। और ये जो समरकंद का बाहर का एरिया है ना, रेलवे स्टेशन के बाहर का निकलती है, कुछ ऐसा दिखता है समरकंद, दिस वन, ओके ओके। तो ये आ गई हमारी 2 नंबर बस, अब चलते हैं इसमें। How are you? Good? Fine. So guys, अभी मैं आ गया हूँ जो यहाँ का समरकंद का जो सिटी सेंटर, मान लो यहाँ से मैं टैक्सी बुक करके जाऊँगा यार, इन्होंने बोला थोड़ा सा दूर है, ये दो भाई लोग हैं, भाई लोग नहीं है, एक तो वो मोहतरमा है, तो इन लोगों ने बोला है कि आपको यहाँ से टैक्सी बुक करके जाना पड़ेगा, तो अभी मैं टैक्सी बुक करके जाता हूँ, और ये लोग ही मेरे लिए ना टैक्सी बुक कर रहे हैं। ये भाई है जो अच्छी खासी इंग्लिश जानता है, तो वो मोहतरमा इंग्लिश नहीं जानती है। Go India? India? India. India, let's go India. Let's go. अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट सनसेट हो गया है, शाम का जो समरकंद का व्यू है कुछ ऐसा दिखता है, आप लोग भी देख लो। समरकंद वैसे ना वहाँ पे ताशकंद जैसी वैसे नहीं है, ज्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह, लेकिन बिल्डिंग्स है छोटी है, लेकिन क्लीन वगैरह एकदम साफ सुथरी है समरकंद में। वहाँ ताशकंद में आप लोगों को बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी देखने को मिलेगी, और यहाँ पे सर्दी भी बढ़ गई है, अब थोड़ी थोड़ी सर्दी बढ़ रही है, वहाँ ताशकंद में भी सर्दी थी, अभी यहाँ पे मुझे लगता है टेम्परेचर कितना होगा, 2-3 होगा मेरे हिसाब से। सो गाइस, अभी मैं यहाँ से टैक्सी बुक करके जा रहा हूँ मेरे हॉस्टल को, और ये भाई साहब यू नो शाहरुख खान, शाहरुख खान भाई, यहाँ तो शाहरुख खान का जबरदस्त क्रेज है, अभी मैं टैक्सी में बैठते ही भाई शाहरुख खान बोलने लग गया, शाहरुख खान का जबरदस्त, पूरे उज्बेकिस्तान में जबरदस्त क्रेज है शाहरुख खान का। सो गाइज, यहाँ पे हॉस्टल में मैंने चेक इन कर लिया है, यहाँ पे जो हॉस्टल का पर नाइट का किराया था वो था 1,21,000 सोम, जो कि होता है 870-875 रुपए के लगभग, तो हॉस्टल ठीक ठाक है, अच्छा है हॉस्टल, लेकिन थोड़ा सा महंगा है, 875-870 रुपए में थोड़ा सा महंगा है हॉस्टल। और अभी मैं निकला हूँ यहाँ पे खाना पीना खाने, यहाँ पे शाम का हो गया 7:23, और इंडिया में हो रहा होगा 53 मिनट, इंडिया से आधा घंटा पीछे है, एग्जैक्ट आधा घंटा पीछे इंडिया से उज्बेकिस्तान का टाइम। ये देखो ये शाम की हलचल कुछ ऐसी है यहाँ पे, अभी मैं थोड़ा सा खाना पीना खाने निकला हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत शाम का हलचल दिखाई देता हूँ आप लोगों को भी। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो आप लोगों ने कल देखा होगा मैं ताशकंद से यहाँ गया था समरकंद, और समरकंद में मैंने यहाँ पे हॉस्टल लिया है, हॉस्टल का जो किराया था वो लगभग 875 इंडियन रुपीज़ तो आज मैं ताशकंद को एक्सप्लोर करूंगा, और अभी मैं हॉस्टल से निकल ही रहा हूँ, तो मैं सोचा क्यों ना इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, कॉलर कैसे हो रहा है यार, सही से भी नहीं पहना अभी, तो फिर इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ फिर किसी एक नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।